इवन पानी आपके शरीर के अंदर था ऐसा मान के चलो, 9 kg के आसपास वाटर था। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक। नाम एक बार आप बताइए सर। राजीव कुमार सिंह। राजीव कुमार सिंह बिहार से है ना? बिहार, पटना में ही। अच्छा, रहते पटना में ही है? पटना, नालंदा। नालंदा में। नालंदा तो भाई साहब इतनी बढ़िया जगह है। नालंदा के बारे में मैंने पढ़ा, जो वहाँ के स्तूप और वो सब है, मतलब हमारे इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी वाज इन नालंदा। तो इंडिया का कल्चर अगर देखा जाए तो बहुत रिच कल्चर है, पढ़ाई के लिहाज से भी और बाकी लिहाज से भी। खैर, ये तो एक फालतू की बात हो जाती है, इस चीज़ में कोई ना कोई करनी पड़ती है। अब आपके जगह से संबंधित है तो इसलिए थोड़ा अच्छा लगा सुन के आप नालंदा से हैं। सर, आपका एक बार प्रीवियस फाइब्रो स्कैन आप मुझे दिखा दीजिए, और आपको क्या क्या परेशानियाँ थी उस वक्त में, एक बार वो भी आपको बताना है। इसको आप कैमरे की तरफ दिखाना होता सर। बहुत बढ़िया, 46.4 था ये आपका, F4 स्टेज आया हुआ था। ये कहाँ कराया था टेस्ट आपने? बिहार में ही कराया था? नहीं, गंगाराम दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में ही कराया था, गंगाराम में। ठीक है, रख दीजिए सर। और ये आपका अभी कल का टेस्ट है, ये कल का है ना आपका टेस्ट? जी हाँ जी। ये आ गया आपका 17.1। अब आप इसको रख दो। अभी आपका कितने महीने हुए टोटल इसको चलते हुए ट्रीटमेंट को? लगभग 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने के बाद में अभी आपका वजन कितना है? 67। और पहले कितना था? 77-78। मतलब 9 किलो करीबन पानी आपके शरीर के अंदर था ऐसा मान के चलो, 9 kg के आसपास वाटर था जो कि रिड्यूस हुआ है। अभी आपका डाइजेशन कैसा, खाना पीना खा पा रहे हैं आप? अच्छे से, कोई परेशानी नहीं? पहले भी इतना। अभी आपका डाइजेशन कैसा, खाना पीना खा पा रहे हैं आप? अच्छे से, कोई परेशानी नहीं? पहले भी इतना। ब्लड रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है या ऑलमोस्ट? नॉर्मल हो गया, दो था, एक था। अच्छा, 2 के आसपास जॉन्डिस रहता था, राइट नाउ इट इज नॉर्मल। और SGOT SGPT 94-79 आ रहा है, पहले कितना था आपका? यही 100 के आसपास ही रहता था आपका। वो प्रीवियस रिपोर्ट होगी आपके पास? SGOT SGPT 27-38 आ रही है। ये कब की रिपोर्ट है? थोड़ी बात ही, चलो मुद्दे की बात ये है कि मतलब पहले आपका एक्सेस था जो थोड़ा बहुत है वो कंट्रोल आ गया, बाकी चीज़ें भी कंट्रोल है। बस मुद्दे भी 400 तक चला गया था, जो अभी 245 है। अल्कालाइन इट वाज 400 एक बार गया था, 385-400। सर बहुत ज़्यादा होता है अल्कालाइन बढ़ना, मतलब लीवर में कैंसर की गांठ का डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है। अल्कालाइन फास्फोटेज और ग्लूटाइल गामा, इफ इट इज इंक्रीजिंग मीन्स यू आर गोइंग थ्रू टुवर्ड्स HCC हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। अल्कालाइन ही तो है जो वहाँ पर कहीं पर कहीं गांठ को मेंटेन करेगा या गांठ को बनाएगा, तो इसलिए अच्छा हो गया वो, उसका रिड्यूस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी फिलहाल आप खाना पीना खा रहे सर? कोई एनर्जी में कोई कमी, कोई चलना फिरना चाहता है? कलर जो डार्कनेस आया था, कलर तो आपका पहले बिल्कुल वाइट था चेहरे का, अभी तो नॉर्मल है। तो कोई सामना भी हो गया था ये ड्रिंक छोड़ने से तो दोबारा ड्रिंक शुरू करने का विचार तो नहीं है? कहीं कलर के चक्कर में नहीं? चलो ठीक है, ऐसे ड्रिंक तो कम ही मतलब ना ही लेनी चाहिए लोगों को, लेकिन अगर कभी इमरजेंसी भी हो तो वंस इन अ वाइल चलो किसी ने कोई ले लिया, ज़्यादा तो देखो नुकसान करती है। अच्छा, आप भी इतने दिन से आ रहे हो देख रहे हो, मोस्टली 70-80-60-70% तो ड्रिंक वाली पेशेंट होते हैं जिनका लीवर ख़राब होता है, 20-30% है जो नॉर्मल किसी, हाँ जो उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, अदरवाइज तो 70% तो मैंने भी फील नोट किया है कि यहाँ पर जो पेशेंट है उनका बुरा हाल हो जाता है। ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, पता नहीं किस तरीके से क्या है उसमें। खैर, आप तो बिल्कुल मत लेना जी, अब आपने एक बार छोड़ दिया तो अब उसकी तरफ तो आपने ध्यान ही नहीं देना बाकी रहते। चलिए ठीक है सर, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे दोबारा जब भी आप आए।